नमस्कार दोस्तों, बिहार के वो लोग जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं उनके लिए बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, नोडल अधिकारी को फोन लगा लगा के आप थक गए होंगे। कभी फोन बिजी बता रहा होगा तो कभी फोन लग भी नहीं रहा होगा। तो दोस्तों, उसका समाधान हो गया है, हम आपको बताएंगे, नया नंबर बताएंगे। दोस्तों, नोडल अधिकारी का फोन नहीं लग रहा है तब भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे, एक अलग तरीका हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप सब जरूर अपने घर जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों देखिए, न्यूज में जानकारी पब्लिश किया गया है, लॉकडाउन में बिहार वापस जाना चाहते हैं तो इन नंबरों पर कीजिए संपर्क, फटाफट रजिस्ट्रेशन करवाइए फुल लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, पूरे देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी है। ऐसे में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं और अपने घर जाना चाहते हैं। बिहार से भी बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों में हैं और इनमें से हजारों लोग वापस अपने प्रदेश लौटने की जदोजहद में हैं। इन लोगों के लिए बिहार सरकार ने अहम कदम उठाया है। दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा अन्य राज्यों में फंसे हुए लोगों के लिए ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन लिंक जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग लिंक है। आप जहाँ फंसे हैं उसके अनुसार आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आपको इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपको ट्रेन मिल जाएगी और आप अपने घर जा सकेंगे। तो दोस्तों, स्क्रीन पर मैं हर राज्य के लिंक आपको दे रहा हूं, आप ध्यान से इस लिंक को देख लीजिए और इस वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बिहार के लोग जो मध्य प्रदेश में फंसे हुए हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन का लिंक यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद बिहार के लोग जो गुजरात में फंसे हैं उनके लिए देखिए लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, और बिहार के लोग जो पंजाब में फंसे हुए हैं उनके लिए ये लिंक है, और बिहार के वो लोग जो महाराष्ट्र में फंसे हैं उनके लिए ये लिंक है, और बिहार के वो लोग जो राजस्थान में फंसे हुए हैं उनके लिए ये लिंक स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख लीजिए। उसके बाद बिहार के वो लोग जो हिमाचल प्रदेश में फंसे हुए हैं उनके लिए ये लिंक है, और उसके बाद बिहार के वो लोग जो तमिलनाडु में फंसे हैं उनके लिए ये लिंक है, स्क्रीन पर आप देख लीजिए। उसके बाद बिहार के वो लोग जो हरियाणा में फंसे हुए हैं उनके लिए लिंक प्रोवाइड किया गया है, और बिहार के वो लोग जो कर्नाटक में फंसे हुए हैं उनके लिए ये लिंक है, और बिहार के वो लोग जो उत्तराखंड में फंसे हुए हैं उनके लिए लिंक दिया हुआ है। उसके बाद बिहार के वो लोग जो उड़ीसा में फंसे हुए हैं उनके लिए लिंक यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। और दोस्तों, अन्य राज्य के लोग जो बिहार में फंसे हुए हैं उनके लिए बिहार सरकार द्वारा ये लिंक जारी किया गया है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप लोग अलग राज्य के हैं और बिहार में फंसे हुए हैं तो इस लिंक पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फ़ोन नंबर नहीं लग रहा है फिर भी इस पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आसानी से आपको मदद मिल जाएगी। दोस्तों, स्क्रीन पर जो ये 5 नंबर दिख रहा है ये नया नंबर है, इस पर कॉल करोगे तो कॉल लग जाएगी और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। और दोस्तों, कोई और अपडेट जानकारी होगी तो आप तक पहुंच जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, जय हिंद जय भारत।